इंट्रो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह मेरा वीडियो जो कि रहता है कृषि से संबंधित। तो अभी हाल में हमने एक वीडियो दिया था जिसपे कैटरपिलर्स को या इल्लियो को या लार्वा को मारने के लिए कुछ दवा बताया था जो कि बायर कंपनी का था। तो उसमें हमने ये बता दिया था कि 100 ml का दवा अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको 1400 रुपये का मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको 10 ml का भी लेना है तो आप 10 ml का भी खरीदीजिए। अगर आपको 15 का लेना है, 15 ml का, तो आप 15 ml का ही खरीदीजिए, जो कि आपको 100 रुपये या 150 रुपये में मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा महंगी दवाई खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये ना सोचिए कि 100 ml का ही पैक आता है, नहीं, 10 ml और 15 ml, 30 ml ऐसे आते रहते हैं। आप उसे आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें जितने की आवश्यकता है उतने ही दवा हम यूज करेंगे, उससे ज़्यादा दवा यूज नहीं करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम बताते हैं कैटरपिलर्स के बारे में। ध्यान दीजिए, आज हम कुछ बेस्ट और दवा के बारे में डेली लेकर आते हैं। आज भी मैंने एक दवा और लेकर आया हूँ। तो आज बताएंगे कैटरपिलर्स वर्क। जैसे हमने बताया था कि कैटरपिलर्स क्या करता है कि आपके पत्तियों को खा लेता है, या तो जो कि फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर छेद करके चला जाता है। कभी कभी छेद भी नहीं करता है। अगर आप बैगन्स के फ्रूट उठाएंगे, फल उठाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो इंसेक्ट होते हैं, ये फ्रूट बोरर एक इंसेक्ट आता है, वो क्या करता है कि अपने पोजिटर से उसी फल के अंदर छेद करके एक दे देता है, और वो एक से निकलता है लार्वा, और जो कि अंदर ही अंदर खाकर फल को खराब कर देता है। तो किसान भाइयों, इससे संबंधित आपको आज हम दवा बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, आज हम दवा आपको बताने जा रहे हैं, आप उन दवाओं को नोट कर लीजिए और मार्केट से ले लीजिए। तो दवा का नाम है सिजेंटा का, मार्केट में आता है अलीका इंसेक्टिसाइड। और इसका अगर टेक्निकल नाम जानेंगे तो थीमेथॉक्सान, जिसका 12.6% है, और लैम्डा साइलोथ्रीन के नाम से आता है, जिसका परसेंटेज है 9.5%, जो कि जेड सी में आता है। ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, आपको टेक्निकल नाम से ही दवा मार्केट में लेना है, कंपनी के नाम से नहीं लेना है। अगला अगर हम जाने तो क्राप्स में, किन किन क्राप्स में इन दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, तो चना, बैगन, सोयाबीन, रहर, मिर्च, उड़द, टमाटर, कपास, गन्ना, पत्ता गोभी और फूल गोभी में भी छिड़काव कर सकते हैं, भिंडी, मूंगफली, खीरा, धान। ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, आपको किसी भी कैटरपिलर्स जिसमें भी लग रहे हैं उसमें इन दवाओं का आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें इसके डोज की, तो 15 लीटर पानी में 7 से 8 ml उपयोग कर सकते हैं। वही किसान भाइयों, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 80 ml का आता है 235 रुपये का, जो कि आप एक एकड़ के लिए होता है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, अगर आपको 30 ml की आवश्यकता है तो आप 30 ml का भी मार्केट में 100 रुपये का खरीद सकते हैं। अगर आपको 10 ml का आवश्यकता है तो आप 10 ml का भी खरीद लीजिए। ये नहीं ज़रूरी है कि आप 80 ml का ही खरीदिए, आपको जितना आवश्यकता है उतना ही आप खरीदिएगा, उससे ज़्यादा आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पिछली वीडियो में बता दिया था 100 ml का, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि 10 ml का, 15 ml का, 30 ml का आता है मार्केट में, आप खरीद लीजिए। वही किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि ये दवा वर्क कैसे करता है, मतलब काम कैसे करता है इल्लियों पे, तो आज हम बताएंगे आपको कि काम कैसे करता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कुछ ग्राफ्स के माध्यम से। यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ बने हैं जिसमें थोरेक्स एब्डोमेन दिख रहा है ऊपर। अगर थोरेक्स की माने तो अपने शरीर पर देखें तो थोरेक्स आपके सीने हो गए, सीना जो हो गया वो थोरेक्स हो गया, एब्डोमेन मतलब आपका पेट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोरेक्स पे देखेंगे तो छोटे 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 बिंदु बने हैं, गोले गोले, वो होते हैं स्पायरिकल्स, जो छेद होते हैं जिनके माध्यम से इंसेक्ट ऑक्सीजन लेता है। अब जब आप दवा छिड़काव कर देते हैं प्लांट्स पे, तो ये कॉन्टेक्ट पॉइजन का वर्क करता है। जब भी इंसेक्ट उसके संपर्क में आती है तो फुहारे इसी छेद के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से चले जाते हैं इन इंसेक्ट के अंदर, मतलब इस लार्वा के अंदर, और ये क्या करते हैं लार्वा के
नर्वस सिस्टम को आसानी से ब्लॉक कर देते हैं। जब इसके नर्वस सिस्टम को आसानी से ब्लॉक कर देते हैं तो ये न तो चल पाता है, न तो बोल पाता है, मतलब बोलेगा तो है नहीं, खा नहीं पाता, न तो खा पाता है, कोई भी फंक्शन करना बंद कर देता है और ऑक्सीजन भी आसानी से ले नहीं पाता, जिससे लार्वा या कैटरपिलर या जिसे इलिया भी हिंदी में कहते हैं उसकी मौत हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये दवा पसंद है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर खरीदें और ख़रीद कर इसे आजमाएं। 99% आप कांस भी मिलेगा, ये बस 99% परफेक्ट दवा है, रिस्पॉन्ट 99% मिलेगा आपको। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, और दवा के नाम्स और दवा के एमएल्स डिस्क्रिप्शन में हमेशा हम डाल देते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं किस ब्रांड का है, क्या क्वालिटी है इसकी, ये कितना एमएल में आता है, इस दवा का नाम क्या है, इस दवा का टेक्निकल नाम क्या है, हर चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहाँ से आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज हमने आपको बताया कुछ जो कि बेहतरीन इम्पोर्टेंट पेस्टिसाइड थे उनके बारे में बता दिया, और कैटरपिलर्स के बारे में भी बता दिया। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही डेली कैटरपिलर्स के बारे में और कृषि से संबंधित इंसेक्टिसाइड के बारे में बताते रहते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हमारी तरफ से नमस्कार।